हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी कहाँ पे हूँ। ये वाला रोड जो है पत्थलगांव का रोड है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अपने को 5-6 गांव विजिट करना है। तो साथ में है मामू, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं दोनों। अभी बज रहे हैं 1, तो 1 बजे हम लोग निकल रहे हैं। और आज का देख सकते हैं मौसम, जो कि काफ़ी धूप किया हुआ है। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है, धूप किया हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों शेयर करना तो ना ही भूले। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो लेक्सी दोस्तों, सामने देख सकते हैं कुछ ही दूर में अपने को मिलेगा पेट्रोल पंप। तो हम लोग पेट्रोल लगाएंगे वहाँ पे। चलिए देखते हैं, इतना भीड़ है, कहीं इधर से बाइक तो नहीं आ रही है। हाँ, चलिए चलिए, अपन घुस गए हैं पेट्रोल पंप। तो दोस्तों, फाइनली पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने के बाद अपन सीधा चलते जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने का जो सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने का जो नज़ारा है।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक दिन हुआ है आज, धूप किया है, बारिश तो हो नहीं रही है आज। तो भाई लोग देख सकते हैं सामने का जो रास्ता है जो कि काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला है, देख सकते हैं। इसमें से हम लोग डेली आते थे काम करने। यहाँ सामने में एक पेड़ है जो कि जिसका खुशबू काफ़ी अच्छा लगता है, पेड़ का नाम मुझे तो नहीं पता, बाकी क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। यहाँ का जो पेड़ है राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आगे का नज़ारा कुछ इस तरह है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई लोग अगर फोर व्हीलर में आते हैं तो ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, बाइक में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। मेरे को तो अच्छा लगता है, बाइक ही ज़्यादा पसंद है तो बाइक में ही घूमना पसंद है। दोस्तों देख सकते हैं सब कुछ दिखाई अच्छे से देता है। तो भाई लोग इधर का जो खेत है देख सकते हैं कि जुताई उताई तो लगभग लगभग कम्प्लीट ही लग रहा है, यहीं कहीं तो धान भी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो भाई लोग जैसे कि देख सकते हैं ये वाला रास्ता जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, इधर पथरीला रास्ता ही मिलेगा हम लोग को। यहाँ तो पूरा तालाब ही बन गया है, कीचड़ है कीचड़, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। तो भाई लोग देख सकते हैं सामने का नज़ारा जो कि कुछ ऐसा है आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। Thank you.
रोड बन रही है और काफ़ी उबड़ खाबड़ है। आप लोगों ने देखा कि पीछे का रास्ता जो है बहुत सारे जर्क हैं, वहाँ पर गाड़ी भी इधर उधर खड़ा रही थी, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि। और अब तो कुछ अच्छा ही रास्ता हम लोग को मिला है, पर भी इसमें भी बहुत सारे गिट्टियाँ इधर उधर हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो भाई लोग, अभी हम लोग हैं गोली के पास और यहाँ अपना बाइक जो है कि पंचर हो चुका है और एक प्रॉब्लम आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला जो टायर है पूरा फट चुका है, पूरा बाइक जो अगला वाला पहिया है वो पूरा पंचर हो चुका है। तो चलिए इसको ले जाने की कोशिश करते हैं। और पता नहीं है पिछला वाला जो टायर है इसमें से भी हवा पास हो रहा है, पूरा हवा खाली हो चुका है। तो देखते हैं, धीरे धीरे ले चलता हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। दोस्तों मैं फाइनली ठीक ठाक ही घर आ गया। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं घर पे हूँ अभी, और कल काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, बाइक ख़राब हुआ इस वजह से, तो मैं आगे का वीडियो जैसे कि बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, अब मामा सुबह मेरे को छोड़े, मैं पत्थलगांव में रुक गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।